मामला पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन थाना क्षेत्र के नौरंगिया माधोपुर पंचायत का है, जहां पर 60 वर्षीय व्यक्ति अपने दरवाजे पर सोया था, तभी अचानक आधी रात को उस गांव के दबंगों ने आकर 60 वर्षीय व्यक्ति गनाउर ठाकुर को गर्दन पर तलवार से वार किया और मृत समझकर दबंग भाग गए। तभी अचानक गनाउर ठाकुर की पत्नी शोर मचाई। शोर सुनकर गांव के लोगों ने आनन फानन में मधुबन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर उसे ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे रेफर कर दिया। गरीब परिवार के पास पैसा न होने पर मधुबन के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है, स्थिति अभी बहुत गंभीर है। इस घटना को लेकर नाई समाज के लोगों ने मधुबन मंगल चौक पर बिहार सरकार नीतीश कुमार का पुतला फूका। स्थानीय प्रशासन को कमजोर बताते हुए कहा कि आज 5 राज हो गया है, अभी तक किसी भी अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। दबंगों से पुलिस मिली हुई है या फिर पुलिस बिक गई है। नाई समाज के लोगों का कहना है कि अगर उस अपराधी का जल्द से जल्द गिरफ्तारी नहीं होता है तो हम लोग धरना प्रदर्शन और तेज करेंगे। मामला वही है, सुता रही है, हम उठे दूरी पे रही, पाँच उठे आए, आके काका से ठड़ा हो गए, पैसे बेटा बोलाओ जल्दी, हम वही ना हम बेटा के ना बोला। हाँ ये बात तो ध्यान बोला मैं कि हम ना बोला, तले इतने हम कहली तले हम आते काट के भाग गए। कौन कौन इसके बारे में क्या कहेंगे आप? कहना चाहते हैं कि ऐसे जब हमारे पिताजी के ऊपर काट के भागा था वो, तो हम लोग घर में थे उस समय, जब हमारे मम्मी चिल्लाने लगी कि काट दिया, हम लोग बाहर निकले तो पिताजी यहीं पर बेहोश पड़े हुए थे, चिल्ला रहे थे मम्मी लोग, पापा भी चिल्लाने लगे बाद में कि काट के भग गया, सब रणधीर प्रियंस काट के भग गया, राजकिशोर तिवारी के बेटा काट के भग गया हमको। तो अनंत फनन में हम लोग जल्दी उठा के बाजू वाला अस्पताल में इनको पहले सुइया दिवाया दर्द के, फिर बाद में बोलेरो मंगा के श्याम जी में लेकर मधुबन भर्ती किए। तो बताइए वो मम्मी भी देखे उसको, वो जब आया था तो किसको खोज रहा था? हमको खोज रहा था, अखिलेश ठाकुर को बोला था, अखिलेश ठाकुर को बुलाइए। कितने लोगों से आए हुआ? 4-5 आदमी थे। कब की घटना है? 16 तारीख के रात में। R9 भारत के लिए प्रदीप कुमार यादव की रिपोर्ट, पकड़ी दयाल।